सब्सक्राइब करें मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा का प्रश्न नंबर 7। ए बी रेखा के समानांतर दिए हुए अंतर डी के समान एक समानांतर रेखा खींचो। तो हमारे पास दिया हुआ है ए बी रेखा है, तो हम यहाँ पे एक ए बी रेखा ले लेते हैं। ये हमने ए बी रेखा ले ली है यहाँ पे ए और बी, और एक हमारे पास दिया हुआ है डी अंतर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक अंतर ले लेते हैं डी। ये मान के चलिए ये हमारा जो है वो ये हमारा है डी अंतर है। अब हमने सबसे आसान तरीका क्या है इसको करने का, हमने ए बी रेखा पे दो पॉइंट ले लेने हैं। ये ले लिया हमने, इसका नाम दे दिया आर, और एक यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया, इसका नाम ले लेते हम पी। हमने क्या करना है, जितना हमारा डी है इतनी प्रकार खोल दो और आप पी पर रखिए प्रकार, और एक चाप लगा दो आर पर प्रकार रखो, दूसरी चाप लगा। इन चापों के भी हम नाम दे देते हैं। इस चाप का नाम हम दे देते हैं के, इस चाप का नाम हम दे देते हैं एस। हमने क्या करना है, इन दोनों चापों को जो है ऊपर से मिला देना। और ये हम डार्क इसको मिला देंगे। इस जो रेखा से है ये ए बी रेखा के समानांतर डी दूरी के समानांतर हमारा जो है वो दूसरी समानांतर रेखा आ गई है। प्रश्न नंबर 8 है, ए बी दी हुई रेखा के समानांतर दिए हुए अंतर डी के समान एक सरल रेखा खींचो। तो हमने प्रश्न नंबर 7 में ए बी रेखा के समानांतर रेखा ली थी डी के समान, और ये भी ऐसा ही है। इसमें थोड़ा सा हम अंतर अलग से दिया हुआ है, चेंज करके दिया हुआ है, तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास दी हुई है ए बी रेखा, तो ये मैं ए और बी रेखा ले लेता हूँ। एक दिया हुआ, इसमें भी डी अंतर दिया हुआ है, इसमें क्या रखा है, साथ में था कि समानांतर रेखा खींचनी है ए बी की, इसमें दिया हुआ कि ए बी के समान एक सरल रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, ए बी पे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं सी और एक यहाँ पे ले लेते हैं आर। हमने क्या करना है, इन दोनों जो हमारे पॉइंट हमने लिए हैं इस पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। मैंने आपको बताया था जब हमने लंब उठाए थे 90 डिग्री के कोण कैसे बनते हैं, प्रश्न नंबर 1 में था, प्रश्न नंबर 3 में भी था, तो मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि 90 डिग्री कोण कैसे बनते हैं। हम इस तरह से प्रकार खोल के चाप लगाएंगे, ये देखिए यहाँ से हम चाप को काट देंगे। ये पहली चाप जो हमारी होती है वो होती है 60 डिग्री की होती है, और जो दूसरी चाप हम लगाते हैं वो 120 डिग्री की होती है। इसी चाप को हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पर रख करके इस चाप को काट देते हैं, और यहाँ से हम डॉटेड लाइन खींचते हैं। तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। इसी तरह से हम जो है वो बिंदु सी पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए फिर यहाँ पे हम पहली चाप लगा देते हैं, फिर यहाँ पर हम दूसरी चाप लगा देते हैं। देखिए इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे, और जहाँ पे ये कट रहा है वहां से हम डॉटेड लाइन लगा देंगे। 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास डी है ये हमारा डी दूरी के समान हमने रेखा खींचनी, सरल रेखा खींचनी है, तो ये देखिए इतनी हम ले लेते हैं प्रकार खोल के, और ये आर पॉइंट पर रख के चाप लगा दी, सी पॉइंट पर रख के चाप लगा दी, और इन चापों के भी हम नाम दे देते हैं। इनके नाम हम दे देते हैं, ये हमारे पास आ जाता है के, और ये जो पॉइंट आता है ये आता है एच, और हम के एच को मिला लेते हैं। ये हमारा एच है, ये हमारा के पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। यस, ये हमने मिला दिया,
और ये जो लाइन हमारी आती है इसकी इसका भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम हम यहाँ ई दे देते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम आगे चला गया था तो इसका नाम हम दे देते हैं डी, ये भी डी है और ये डी दूरी के समान हमने खींचा है तो इस तरह से ये हमारा बन के तैयार होगा।